विशाल अंधारे जी की रचना चौथी औरत। कौन थी वह चौथी औरत जो कहना चाहती थी बहुत कुछ, जिसका कहना था पहली स्त्री ने जुबान के तालों में बसर की जिंदगी और दूसरी घूंघट में रही जीवन भर, तीसरी जो सुबह करती थी सूर्य को नमन तभी वो देख पाई थी पूरा आसमान। शायद यहीं से लिया होगा उसने ऊर्जा भरा तेज और उषा काल में जन्म हुआ होगा इस चौथी औरत का, जिसने तोड़ा था जुबानी ताला, उतार फेंका था घूंघट, सूरज को अपने में समा वो बन गई है रोशनी, जिससे वह शायद मिटा सकती है तीनों औरतों के जीवन से अंधकार, लड़ सकती है अपने अधिकार के लिए इतिहासी पन्नों से, जुल्म भरे पन्नों को देकर अग्नि वो फूंक सकती है अन्याय से भरे सारे दस्तावेज। लंबी सांस लेना भी सीख गई है, मनुकाल के रेंगते सांप फुफकार कर सकते हैं उसे मूर्छित, या पुरुषत्वधारी बिच्छू कहीं मार ना दे संस्कृति के नाम से धमकीले डकीले डंक, या उस पर छोड़ी जा सकती है बदचलन नाम से जहरीली गैस, या उल्टा बाजारू के संबोधन के नुकीले पत्थर मार उसे कर दिया जा सकता है घायल, या उसकी पीठ पर पड़ सकती है धर्म के मार की दहशती धर्म लाठी, या मार मार के उसके सम्मान को दबोची जा सकती है उसकी उड़ान। फिर भी ये चौथी औरत नहीं घबराती, उसके पास है शिक्षा की मजबूत जीवनदायिनी अमृत प्याली और बेड़ियों को खोलने की मजबूत मंशा और भेड़ियों के खिलाफ लड़ने का जज्बा। चौथी औरत मजबूती से डटकर लड़ेगी सबसे, वो बस इन तीन औरतों को ही सिर्फ बचाना नहीं चाहती, उसे तो यह भी चिंता है कि पांचवी औरत को ये समाज फिर से ना बना दे पांचाली।